हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई बार्ड ऑफ ब्लड सीरीज को। ये सीरीज बिलाल सिद्दीकी के नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम है बार्ड ऑफ ब्लड। तो सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत कबीर से होती है जिसे अपने पास्ट में हुए मिशन की यादें आती है और उसे सपने आने लगते है कि कैसे उसके पार्टनर विक्रम का पैर बॉम्ब पर गिरा था और वो बॉम्ब फट गया था। दूसरी तरफ कुछ इंडियन एजेंट्स बलूचिस्तान से इंडिया कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे होते है जिनका पता पाकिस्तानी पुलिस को लग जाता है। फिर वहां पर थोड़ी गन फायरिंग होती है। उसी बीच फाइल ट्रांसफर होने ही वाली होती है कि वो एजेंट्स पकड़े जाते हैं। यहाँ दिल्ली में ईशा खन्ना जो IIW यानी इंडियन इंटेलिजेंस विंग में एजेंट्स को लेक्चर दे रही होती है। लेक्चर होने के बाद IIW का डायरेक्टर सादिक शेख से ईशा रिजाइन करने की मांग कर दी है क्योंकि उसे कोई मिशन नहीं मिल रहे थे। सादिक उसे बताता है कि इंडिया में आने वाले सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट तुमसे शेयर होते हैं जिसका पता तुम ही लगा सकती हो, तो वो उसे कहता है कि मैं रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पुलिस ने उन एजेंट्स को तालिबानियों के हवाले कर दिया होता है। तालिबानियों ने उन एजेंट्स का वीडियो बना के ISI एजेंट यानी तनवीर शहजाद को भेजा होता है जिसे देखकर वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहां पहुंचने के लिए निकलता है। तालिबानियों का लीडर मुल्ला खालिद वहां पहुंचता है जो उन एजेंट्स को मारने के ऑर्डर्स दे देता है कि तभी वहां ISI एजेंट शहजाद आके उसे रोक देता है। वो मुल्ला खालिद से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो हमें आगे पता चल ही जाएगा। फिर उन एजेंट्स को एक मदरसे में ले जाया जाता है जहां शहजाद तालिबान लीडर खालिद से कहता है कि उन एजेंट्स को वो उसे दे दे, उसे पता है कि उनके साथ क्या करना है। पर खालिद उसे कहता है कि जो कुछ होगा वो उनके हिसाब से ही होगा क्योंकि वो उन एजेंट्स को मारने वाले होते हैं। पर शहजाद उसे कहता है कि इन इंडियन एजेंट्स को सिर्फ एक हफ्ता जिंदा रखना, उसके बाद सारी दुनिया उनके सल्तनत के खौफ को देखेगी, जिसे खालिद मंजूर हो जाता है। दूसरी तरफ इंडिया में ईशा को एक वीडियो मिलता है जो उन एजेंट्स का होता है जिसे तालिबानियों ने डार्क वेब से IIW में भेजा होता है, जहां वो उस वीडियो में बताते हैं कि उनके कुछ साथियों को इंडिया को रिहा करना होगा, उसके बदले ये एजेंट्स हम उन्हें सौंप देंगे। IIW का चीफ अरुण जोशी ईशा से एजेंट्स के नाम पूछता है जो बताने के बाद उसे बाहर जाने बोलता है। अरुण जोशी सादिक से पूछता है कि वो एजेंट्स वहाँ क्या कर रहे थे। वो बताता है कि वो एजेंट 6 महीने से वहाँ पर है जहाँ उन्हें लीड मिली थी कि ISI और तालिबान मिलके अपने ऑपरेशंस वहाँ एक्सपांड कर रहे है। जहाँ अरुण जोशी सादिक से कहता है कि इंडिया और चाइना समिट के चलते तो वो सादिक को बताता है कि झूठी स्टोरीज बनाओ और ऐसा दिखाओ कि वो एजेंट्स काबुल में इंजीनियर थे जिन्हें तालिबानियों ने किडनैप कर लिया, और वो सादिक को बात वही दबाने बोलता है। पर सादिक उसे कहता है कि वो हमारे एजेंट्स हैं, उन्हें हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उनमें वहाँ थोड़ी बहस होती है और सादिक वहाँ से चला जाता है। ईशा को एक सीक्रेट प्रिंट आता है जो वो फौरन उस प्रिंट को सादिक को दिखाती है जिसमें सिर्फ हैप्पी दिवाली होता है। उस प्रिंट को देखकर सादिक ईशा को बताता है कि हमारे एजेंट्स के हाथों कुछ बड़ी खबर लगी है, पर शायद हमारे एजेंट्स वहाँ बड़े डेंजर में फंस गए हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर हमें रेस्क्यू करना होगा। तो सादिक ईशा को ऑफ द बुक्स एक मिशन के लिए तैयार होने के लिए बोलता है और कहता है कि एक ही इंसान उनके एजेंट्स को रेस्क्यू कर सकता है, वो था कबीर आनंद। कबीर आनंद जिसने IIW को अपने दोस्त विक्रम के डेथ के बाद छोड़ दिया होता है जो अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। अब स्टोरी यहाँ से कबीर पर फोकस होती है। कबीर स्कूल के बाद विक्रम के बेटे को लेने जाता है जहाँ से वो दोनों विक्रम की वाइफ जो विक्रम के मरने के बाद मेंटली उसकी हालत खराब हो गई थी उसे मिलने हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, जहां कबीर के कार का दो एजेंट्स पीछा कर रहे होते हैं। उसे वो समझ आता है, वो फौरन उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है और हॉस्पिटल पहुंचकर विक्रम की वाइफ नीता से मिलता है जो उसे बोलता है कि उसने उसके तबीयत के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। फिर नीता उसे बताती है कि तुम विक्रम के बारे में बात क्यों करना नहीं चाहते। कबीर वहां कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। वॉशरूम में वो दो एजेंट्स पहुंच जाते हैं जो कबीर को कहते हैं कि चुपचाप चलोगे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ फिर कबीर और उन एजेंट्स में काफी फाइट होती है। कबीर उन एजेंट्स को मार के वहाँ से चला जाता है। फिर लिफ्ट के अंदर ईशा भेष बदल कर पहले से ही वहाँ मौजूद होती है जो कबीर को बेहोश करके वहाँ से दिल्ली ले जाती है, जहाँ कबीर की जैसी ही आँख खुलती है उसे सामने सादिक शेख नजर आता है। सादिक कबीर को बताता है कि बलूचिस्तान में हमारे 4 एजेंट्स पकड़े गए हैं, उन्हें तुम्हें रेस्क्यू करना होगा, जिसे कबीर बोलता है कि विक्रम के मौत को उन लोगों ने फेक स्टोरी बताकर उस बात को क्लोज कर दिया था जिसको अभी भी उस बात का गिल्ट होता है। सादिक कबीर को कहता है कि तुम्हें बलूचिस्तान जाना होगा, पर उसकी बातों को मना करके कबीर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तालिबान का एक मेंबर ISI एजेंट शहजाद के पास उन एजेंट का पेन ड्राइव लेके आता है जिसे
उसे चेक करने के लिए शहजाद उसे अपने लैपटॉप पे लगा देता है कि तभी जो फाइल्स एजेंट्स अपलोड करके भेज रहे थे वो 100% कंप्लीट होके अपलोड हो जाती है, जिससे शहजाद गुस्सा होकर वो पेन ड्राइव फेंक देता है। दिल्ली में सादिक को मोबाइल चेक करते वक्त कुछ मैसेजेस आते है, ये वही फाइल्स होती है जो अपलोड हो गई थी, जिन्हें वो तुरंत डिक्रिप्ट करता है, जिससे उसे कई सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। वो तुरंत कबीर को कॉल करता है, लेकिन कबीर सादिक के कॉल रिसीव नहीं करता। सादिक के कई बार कॉल करने पर कबीर उसका कॉल उठा लेता है। सादिक कबीर को बताता है कि उसके हाथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लगी है, जिसका कनेक्शन विक्रम के कातिल से है जो बलूचिस्तान में है। पर कबीर उसे बोलता है कि वो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है और वो कॉल काट देता है। कबीर को वहाँ पास्ट की कुछ यादें याद आती है, जब उसका इंटरोगेशन हो रहा था विक्रम और उसके बारे में, जो IIW का चीफ अरुण जोशी ले रहा था, जहाँ कबीर उन्हें बताता है कि उन्हें बलूचिस्तान में फंसाया गया था और एजेंसी में कोई तो है जो उन्हें वहाँ फंसाना चाह रहा था, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करके और कबीर के सच के चलते वो उसे ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देता है। उसी गिल्ट में थोड़ा सोचने पर कबीर सादिक के घर पहुँचता है, लेकिन सादिक को उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने मार डाला होता है और यहाँ episode 1 एंड हो जाता है। episode 2 की शुरुआत में हम देखते है कि कबीर सादिक के यहाँ पहुँच गया है और सादिक को किसी ने पहले से ही मार दिया होता है। अब कबीर वहाँ उसके घर में वो मैसेजेस ढूंढने लगता है जिसे सादिक ने डिक्रिप्ट किए होते हैं। जब कबीर उसके कंप्यूटर पे देखने जाता है तो किसी ने पहले से ही सादिक के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एम्प्टी कर दी थी। कबीर फिर उसके फोन को ढूंढने लगता है, पर सादिक का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी कबीर का ध्यान सादिक के सॉल्व किए पजल पे जाता है, जिसे देखकर उसे कुछ पता लग जाता है जो हमें आगे पता चल ही जाएगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें लगता है कि कबीर ने ही सादिक का मर्डर किया है। फिर वहाँ IIW चीफ अरुण जोशी आके कबीर को कस्टडी में लेने बोलता है। आगे फिर अरुण जोशी और बाकी एजेंसीज के ऑफिसर्स डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां डिफेंस मिनिस्टर अरुण जोशी को इंडिया और चाइना समिट के बारे में पूछता है कि वो सब तैयार है कि नहीं। तब अरुण जोशी उसे बोलता है कि सब ठीक ही है, लेकिन हमारा IIW का डायरेक्टर सादिक शेख मारा गया है, पर उसका कोई असर इंडिया चाइना समिट पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सादिक की मौत को नेचुरल डेथ बताकर उस बात को क्लोज कर दिया था। पर डिफेंस मिनिस्टर उसे पूछता है कि तुम्हारा डायरेक्टर मारा गया है और तुम बात ऐसे कर रहे हो कि सब नॉर्मल है। फिर मिनिस्टर उसे इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है कि सादिक का मर्डर किसने किया। दूसरी तरफ कबीर को इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है। कबीर से एक ऑफिसर कंटिन्यूअसली सवाल किए जाता है कि तुम सादिक के घर में क्या कर रहे थे। कबीर उसके सवालों को इग्नोर कर देता है। फिर अरुण जोशी उस ऑफिसर को वहां से जाने बोलता है और वो लोग फिर कबीर को रास्ते में फेंक कर छोड़ देते है और सादिक के फ्यूनरल का टाइम बता देते है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में इंडियन एजेंट्स को तालिबानी मार रहे होते है, जहां उनका कमांडर अफताब खालिब आके उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो उन एजेंट्स को बोलता है कि वो उन्हें सब सच सच बता दे, पर एजेंट्स अपना मुंह नहीं खोलते। तब गुस्सा होकर वो कमांडर वहां से निकल जाता है। वहां दिल्ली में IIW में चीफ अरुण जोशी निहार, जो IIW में एनालिस्ट होता है, उसे कबीर के फोन में से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने बोलता है, पर उसे फोन में सिर्फ विक्रम के बेटे के वीडियोस मिलते है और वो अरुण जोशी को बोलता है कि कबीर सादिक को क्यों मारना चाहेगा। दूसरी तरफ कबीर सादिक के फ्यूनरल में पहुंचता है, जहां उसे सादिक के साथ की पुरानी यादें याद आती है कि कैसे सादिक ने उसके पिता के मौत के बाद उसे संभाला। फ्यूनरल होने के बाद अरुण जोशी कबीर को उसका फोन लौटा देता है। वहां से बाहर निकलते वक्त कबीर की कोई फोटोज खींचता है, जिसका कबीर पीछा करने लगता है, पर वो इंसान वहां से भाग जाता है। तभी उसे कब्रिस्तान में ईशा दिखती है, जो अपने माँ के साथ आई थी। तब कबीर उसे एक सीक्रेट लैंग्वेज में मैसेज देता है कि आपका ब्रेक लाइट खराब हो गया है, आगे यहाँ नवाब मैकेनिक करके है जो अच्छा काम करता है। ये मैसेज ईशा को समझ जाता है, जो कबीर को मिलने जाती है। तब कबीर उसे बताता है कि नवाब मैकेनिक सिर्फ सादिक सर और हमें पता था, क्योंकि अब वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नवाब मैकेनिक का नाम लिया। वह ईशा कबीर से कहती है कि तुम कल अगर मान जाते तो सादिक सर जिंदा होते। तब कबीर उसे बोलता है कि हमें सादिक सर के किलर को ढूंढना होगा। फिर कबीर ईशा को सादिक का प्राइवेट नंबर ट्रेस करने कहता है, जहां वो उसे बताता है कि उन मैसेज के इनपुट्स इसी नंबर पर आए होंगे, जिसे खोलने के लिए उस इंसान को सादिक का फोन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्विच ऑफ होता है। फिर ईशा निहार को कॉल करके उस नंबर को ट्रेस करने बोलती है। फिर कबीर और ईशा उस ट्रेस के नंबर पर पहुंचते हैं, जहां उसे उस कमरे में कपड़े देखकर पता चलता है कि वो वही इंसान था जिसने फ्यूनरल के दिन कबीर की फोटोज खींची थी। अब ईशा कबीर से पूछता है कि सादिक सर ने लास्ट कॉल में क्या कहा था। वो उसे बताता है कि सादिक सर ने कहा था कि सारे जवाब बलूचिस्तान में छिपे है, जहां वो ईशा को ये भी बताता है जब वो सादिक के घर पहुंचा था तब मरने से पहले उसने पजल में कुछ अल्फाबेट लिखे थे। तो यहां हमें पता चलता है कि उस पजल में आखिर क्या था। कबीर बताता है कि उसमें
रेडियो लिखा था यानी कि उसका कोड नेम, और आरबीएल लिखा था जो उसे समझ में नहीं आता। तो ईशा उसे बताती है कि आरबीएल उसका कोड नेम है जो रानी लक्ष्मीबाई होता है। तो कबीर उसे बोलता है कि सादिक सर सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि तीन लोग के एक मिशन को अंजाम देना चाहते थे। दूसरी तरफ आईएसआई के ऑफिस में शहजाद उन तस्वीरों को देखता है जिन्हें उस इंसान ने कबीर की फोटोज खींच के उसे भेजे होते हैं। जो वहाँ उसके साथी अबिदा जो एक एजेंट होती है उसे बताता है कि कबीर की उसने ऐसी हिम्मत तोड़ी थी कि उसका करियर बर्बाद हो गया था। दूसरी तरफ ईशा और कबीर ऑफ द बुक्स मिशन की तैयारी करते है। कबीर ईशा को बोलता है कि उन्हें कोई ऐसा एजेंट चाहिए जिसे एजेंसी भुला चुकी हो। फिर हमें नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हैं जो अपने एक साथी के साथ जा रहा होता है। फिर अचानक से उस ट्रक ड्राइवर का फोन बजने लगता है। तब वो ड्राइवर ट्रक बाजू में लगाकर कॉल उठाता है। तब हमें पता चलता है कि ये यही एजेंट होता है वीर सिंह जिसे एजेंसी भुला चुकी थी, जो अफगानिस्तान में कई सालों से अंडर कवर था। फिर ईशा उसे बताती है कि उसे एक छोटे से मिशन के बाद ब्रेक मिल जाएगा। फिर उसके बाद को वीर मान जाता है। कॉल रखने के बाद पीछे से उसका साथी उस पे गन धर देता है। वो वीर को सब सच बताने बोलता है। तभी वीर गन निकाल के उसे मार देता है और उसे अपने उस ट्रक में डाल के ट्रक को जला देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। यहाँ दिल्ली में ईशा और कबीर एक फेक पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने एक सीक्रेटली काम कर रहे इंसान के पास पहुँचते है, जहाँ वो उससे नकली पासपोर्ट बनवा लेते है। वह अफगानिस्तान में वीर सिंह अपने सीक्रेट अड्डे पे जमीन खोद के एक बॉक्स निकालता है जिसमे उसके सीक्रेट्स और इन्फॉर्मेशन होती है जो उसे जला देता है। यहाँ कबीर और ईशा कंधार में पहुँच जाते हैं जहाँ वीर सिंह उन्हें पिकअप करने आया होता है। ईशा वीर सिंह से पूछती है कि गियर बॉक्स में उसने क्या क्या लिया है। तब वो बताता है कि आखिरी मिशन के चलते वो सारी डिवाइसेस और गन्स लेके आया है। फिर वो उन्हें बताता है कि आखिरी मिशन है तो वो उन्हें क्वेटा छोड़ के सीधा इंडिया चला जाएगा। पर कबीर उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हें हमारे साथ एक हफ्ते के मिशन के लिए रुकना होगा। वीर सिंह यहाँ शॉक होके बोलता है कि उसे ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले है और पिछले कई सालों से वो यही सुनता आ रहा था। यहाँ ईशा उसे बोलती है कि उन्हें उसकी जरूरत है। तब उनकी बात वीर सिंह मान जाता है। वीर सिंह उन्हें एक शॉर्टकट से ले जाता है जहाँ चेक पॉइंट्स नहीं होंगे ये सोचकर, पर इनके किस्मत खराब होती है वहाँ चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ उनके कार को रुकवाया जाता है। जहाँ एक ऑफिसर वीर सिंह को नीचे उतरने बोलता है और 20,000 मांगता है। वो ऑफिसर वीर सिंह को धक्के देकर उससे जबरदस्ती करता है। ये सीन देखकर कबीर को लगता है कि वो लोग पकड़े गए है। उसी चक्कर में कबीर ऑफिसर पे गाड़ी चला देता है। फिर वहाँ काफी फायरिंग होने लगती है। दूसरी तरफ मदरसे में एजेंट्स और आफ्ताब में बहस होती है और उस गुस्से में आफ्ताब एक एजेंट को मार डालता है। और वहाँ कबीर और ईशा कार से निकलकर पेट्रोल टैंक पर गोली चला देते हैं जिससे वहाँ ब्लास्ट होके सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और यहाँ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कबीर वीर सिंह से कहता है कि तुम्हारे गलत इंटेलिजेंस के वजह से अब सारा प्लान फ्लॉप हो गया है। तब वीर सिंह बोलता है कि हम क्वेटा पहुंच के गायब हो सकते है, ये बात उन्हें पता करने में बहुत टाइम लगेगा। तब वो सब वहाँ से निकल जाते है और एक गैराज में जाके गाड़ी चुरा कर क्वेटा की तरफ निकल पड़ते है। कबीर उन्हें बताता है कि उन्हें एक प्लान की जरूरत है कि वो वीडियो मैसेज क्वेटा से आया था तो अब उन्हें तालिबान के कंट्रोल जोन को ढूंढना था क्योंकि वहीं से मुल्ला और इंडियन एजेंट्स का पता चल सकता था। तो वो पहुंचते हैं क्वेटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जो हाईली सिक्योरिटी के साथ वहाँ गार्ड्स तैनात होते है जहाँ से तालिबान के सारे कम्युनिकेशंस रीड आउट होते थे। तो कबीर उन मैसेजेस को टैप करने की सोचता है जो मुल्ला वहाँ से भेजता था। फिर उसे ईशा बताती है कि उन्हें एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। फिर वीर सिंह क्वेटा के मार्केट से एक मोबाइल शॉप से उस शॉपकीपर का लैपटॉप चुरा के भाग जाता है। मार्केट में वीर सिंह अपने पोस्टर्स देखता है जिसपे वांटेड लिखा था। तब वहाँ पुलिस आके उसे पकड़ती है लेकिन वो उन्हें मार के वहाँ से भाग जाता है और कबीर और ईशा को वो पोस्टर दिखाता है जो वहाँ से फौरन भागने लगते है क्योंकि अब पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। अब वो एक लॉज में पहुंच जाते है जहाँ कबीर ईशा को लैपटॉप का सेटअप करने बोलता है और उसे जाने कहता है। तब कबीर वीर सिंह को कहता है कि तुमने अब पूरे तालिबान को अपना दुश्मन बना लिया है और एजेंसी ने भी उसे बुला दिया है। वीर सिंह उसे कहता है कि वो सब जानता है पर उसे अब सिर्फ इंडिया वापस जाना है। फिर कबीर उसे प्रॉमिस करता है कि तुम इंडिया जरूर जाओगे लेकिन जिंदा या बॉडी बैग में ये तुम पर रहेगा, इसलिए तुम हमारा साथ दो
ईशा अंदर मुल्ला की आवाज को टैप कर लेती है और उसे कबीर को सुनाती है, जिसे सुनकर कबीर बताता है कि मुल्ला और एजेंट कैच में है, इसलिए हमें मुल्ला से टक्कर लेनी ही होगी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें मार के वो सब पीछे से कार लेके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में नियार अरुण जोशी को दिखाता है कि कबीर को सादिक के मरने से पहले कॉल आया था और सादिक ने पजल में कुछ कोड्स लिखे थे, तो उनका कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। तब अरुण जोशी नियार को वहाँ से जाने बोलता है। आगे फिर कबीर बताता है कि मुल्ला कैच में जरूर है, लेकिन एजेंट्स वहाँ है कि नहीं ये हमें पता करना होगा। फिर वो एक सुनसान खाली गांव में पहुंचते हैं, जहां वो एक घर में रहते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में नियार को एक मेल आता है, जिसमें वो कबीर और ईशा को एयरपोर्ट पे देखता है। फिर वो तुरंत ईशा की लोकेशन ट्रेस करता है, जिसे समझ जाता है कि कबीर और ईशा बलूचिस्तान में है। फिर वो फौरन वो वीडियो लेके अरुण जोशी के पास जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है, और अरुण जोशी को नियार बोलता है कि कबीर और ईशा ने नकली पासपोर्ट बना के वो बलूचिस्तान में चले गए और उन्होंने वहां एक एजेंट को भी उनके प्लान में शामिल किया है। तब अरुण जोशी निहार को फाइल उसे भेजने बोलता है। वहाँ कबीर ईशा को कैच के सैटेलाइट इमेजेस को देखने बोलता है और तालिबान के हॉटस्पॉट को उसे ढूंढने बोलता है और वीर को वहाँ का एग्जिट रूट ढूंढने बोलता है, क्योंकि उन्हें वहाँ एजेंट्स को रेस्क्यू करने के बाद जल्द से जल्द निकलना था। और कबीर अपने पुराने कॉन्टेक्ट को मिलने के लिए जाता है। कबीर एक दरगाह में एक फकीर बाबा को मिलता है, जिसे वो मरी के ठिकाने के बारे में पूछता है। वो बाबा उसे बताता है कि मरी के मौत के बाद उसे कुछ पता नहीं था। कबीर फिर उससे है कि बलूचिस्तान के आजादी की लड़ाई किसके हाथों में है। वो बाबा उसे बताता है कि पूरी जानकारी के लिए उसे मदीना बेकरी जाना होगा। फिर हमें बलूचिस्तान का BAF कैंप दिखाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान से और तालिबान से आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिसमें अब नुसरत मरी जो अपने पिता के मौत के बाद BFA यानी बलूचिस्तान आजाद फोर्स का लीडर होता है। दूसरी तरफ वीर सिंह एक कोठे पर पहुंचता है और वहाँ के एक औरत से पूछता है कि उसे किस रास्ते और किस जहाज से वहाँ लाया गया था। वो औरत उसे बताती है कि एक इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। वो बुलाने चली जाती है, फिर वहाँ दो इंसान आके वीर सिंह को मारने लगते हैं। वीर सिंह उन्हें मार के वहाँ से भाग लेता है। वहाँ ईशा मार्केट से एक मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड खरीद लेती है और मदीना बेकरी में बहस के चलते कुछ लोग कबीर को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। ईशा को नियार मैसेज करता है कि उसे पता चल गया है कि वो बलूचिस्तान में है, कि अरुण सर को भी ये बात पता है, तुम जल्द ही वापस आ जाओ। फिर ईशा उसे कहती है कि हमारे 4 एजेंट्स तालिबान के कब्जे में है। तब नियार उसे बोलता है कि 4 नहीं 3 ही, उनमें से एक एजेंट रहमत को मार दिया गया है। दूसरी तरफ कबीर को वो लोग BAF कैंप में ले आते हैं, जहां वो उसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हो। वो उन्हें नुसरत से मिलने के लिए बताता है। कबीर नुसरत और उसके परिवार को पहचानता था, जहां कबीर नुसरत से कहता है कि एक मिशन में वो उसका साथ दे, बदले में वो उनकी मदद करेगा। फिर नुसरत उसे कहता है कि सालों पहले तुमने हमें धोखा दिया था, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। नुसरत फिर कबीर के हाथ खोल के उसे वहां से रवाना करने के लिए कहता है। ऐसे ऑफिस में शहजाद की साथी एजेंट अबिदा उसे बताती है कि तालिबान ने खुद ये अफवाह फैला दी है कि उन्होंने खुद इंडियन एजेंट को मारा है, लेकिन वो बताती है कि उनके सोर्स के मुताबिक मुल्ला के बेटे ने यानी अफ्ताब ने उसे मारा है। जिसे देख शहजाद कहता है कि अगर ये सच बाहर आ जाए तो मुल्ला के साथी उन्हें साथ नहीं देंगे और उनका ये खौफ उनके काफी काम आएगा। फिर तालिबान को उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा जिसे इंडियन एजेंट्स चाहिए होते हैं। फिर उसकी साथी एजेंट अबिदा उसे वीर सिंह की फोटो दिखाती है, कि बताती है कि ये इंसान पहले तालिबान के साथ काम करता था, लेकिन उसने उसके साथी को मार देने के बाद पुलिस उसके पीछे लग गई है, जिसके साथ और 2 लोग हैं, एक औरत और एक इंसान। दूसरी तरफ उस घर में कबीर लौट आता है, जहां वो सबको बताता है कि उसके कोऑर्डिनेट से उसकी बात नहीं बनी, तो वो वीर सिंह को पूछता है कि उसे एग्जिट मिला के नहीं। तब वीर उसे बोलता है कि उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और वो उन्हें और एक बात बताता है जो उसने उससे छिपाई होती है। वो कहता है कि यहाँ आने से पहले उसने एक बड़े स्मगलर को मार दिया है। वो कबीर से कहता है कि वो उन्हें बताने वाला था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो उसे मिशन से हटा देंगे। ईशा फिर उन्हें एक वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर कबीर फौरन गन लेके निकलता है। वीर और ईशा उसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो अचानक उन्हें बताता है कि अगर वो वापस नहीं आता तो वो लोग इस्लामाबाद के इंडियन एम्बेसी में चले जाए, और वो वहाँ से निकल जाता है। तब वीर को एजेंसी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके फादर को अल्जाइमर्स हुआ है और एजेंसी उसे वापस बुलाती है।
तो ईशा उसे बताती है कि ये एक ट्रैप है। तो वीर उसे बोलता है एजेंसी उसे ट्रैप क्यों करेगी। तब ईशा उसे समझाती है कि उन्होंने उसे झूठ बोला है, मिशन के बारे में एजेंसी को पता नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ कबीर एक इंसान के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि उसके पास चाइनीज गन्स और ग्रेनेड्स है। तो वो इंसान उसे तालिबान से सौदा करने वाले डीलर से मिलवाने ले जाता है जिसका नाम शकलेन अनवर होता है। वो इंसान कबीर को वहाँ छोड़ के चला जाता है। शकलेन अनवर के आते ही कबीर उसे पहचान जाता है। ये वही इंसान होता है जिसे कबीर ने अपने पास्ट के मिशन में पैर पर गोली मारी होती है जिसके वजह से उसका पैर डैमेज हो गया था। कबीर शकलेन से मुल्ला के लोकेशन के बारे में पूछता है। फिर उनमें वहाँ थोड़ी फाइट होती है। कबीर शकलेन के आदमियों को मार डालता है। फिर शकलेन और कबीर एक दूसरे पर गन धर देते हैं। शकलेन कबीर पर गोली चला देता है। तभी वहाँ से एक कार आके शकलेन को उड़ा देती है और वो मारा जाता है। उस कार से एक औरत निकलती है जो घायल हुए कबीर को उठा के अपने कार में बिठाती है। कबीर उसका नाम जन्नत बोल के बेहोश हो जाता है और यह एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम जन्नत मरी को देखते हैं जो बीएएफ लीडर नुसरत के बहन होती है। उसने कबीर को क्यों बचाया यह हमें आगे पता चली जाएगा। वो कबीर से कहती है कि तुम नुसरत को बहका रहे हो। तब कबीर उसे बताता है कि उसे नुसरत की जरूरत है। आईएसए ऑफिस में शहजाद को वहाँ के लोकल पुलिस का कॉल आता है जो शहजाद को बताता है कि यह एक तालिबानी की मौत हुई है और उसे एक कार से कुचल दिया गया है। फिर शहजाद उसे कहता है कि ऐसी अफवाह मत उठाओ, जो मारा गया है वो भागा हुआ क्रिमिनल है। तब शहजाद उस पुलिस वाले को जन्नत के गाड़ी को ट्रेस करने बोलता है और उनके पीछे जाने कहता है। फिर दूसरी तरफ वीर सिंह को अब सब सच पता चल गया था। वो ईशा को कुर्सी से बांध देता है और उसे एजेंसी कॉल करने कहता है। वो ईशा को बताता है कि कबीर हम सबसे झूठ बोल रहा है। ईशा उसे कहती है कि उसे सादिक सर के चॉइस पे भरोसा है। तभी वहाँ उन्हें गाड़ी के आने की आवाज आती है। तब वीर सिंह बाहर जाके जन्नत पर गन धर देता है जहाँ जन्नत उसे बोलती है कि मुझे मारने की गलती भी मत करना। और वो वीर सिंह को कबीर को अंदर ले जाने बोलती है और जल्द से जल्द वहाँ से निकलने कहती है क्योंकि वहाँ अब रहना उनके लिए खतरा था। वीर सिंह अब कबीर को भी चेयर से बांध देता है और उसे वो एजेंसी कॉल करने बोलता है। पर कबीर उसे बताता है कि एजेंसी उसे बुला चुकी है, एजेंसी को किसी की पड़ी नहीं है। इसी के चलते हमें भी यहाँ ऑफ द बुक इस मिशन के लिए आना पड़ा। तभी उन्हें बाहर से पुलिस वैन का आवाज आता है। तब वीर उसे उस औरत के बारे में पूछता है जिसने उसे छोड़ा। फिर कबीर उसे उसका नाम जन्नत बताता है। तब वीर सिंह को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पुलिस भी बाहर आ चुकी थी। वो कबीर को बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मेरे हाथों नहीं इन पुलिस वालों के हाथों मरो। वो उन्हें वहाँ बांध कर भागने के प्लान में होता है पर कबीर उसे बताता है कि तुम मुझे बाद में मार देना, हमें अपने एजेंट्स को छुड़ाना है। ये सुनकर वो अपना फैसला बदल कर उन्हें छोड़ देता है और पीछे के रास्ते से उन्हें भागने बोलता है। वीर सिंह आगे से जाके सारे पुलिस वालों को मार देता है और उनकी वैन लेके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कैच में जन्नत अपने घर पहुंचती है जहाँ नुसरत उसे पूछता है कि आप कहाँ गई थी। उसे पता चल जाता है कि वो कबीर को बचाने गई थी। वो उसे सच बोलने कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जन्नत कबीर को चाहती थी। वहाँ दिल्ली में IIWH चीफ अरुण जोशी निहार से ईशा और कबीर के बारे में पूछता है जो उसे बताता है कि अगर तालिबान के पास एजेंट्स है तो उन्हें क्वेटा में होना चाहिए था लेकिन उनका ट्रेस हमें कैच से मिला है। तब अरुण और निहार दोनों सोच में पड़ जाते हैं। वहाँ कैच में वीर सिंह पुलिस वैन लेके कबीर और ईशा के पास पहुंचता है जो कबीर से जन्नत के बारे में पूछने लगता है जिसे कबीर बताता है कि वो रशीद मरी की बेटी है, अगर वो वहाँ नहीं आती तो वो आज जिंदा नहीं बच पाता। दूसरी तरफ जन्नत और उसके पति कासिम में बीएफ के लीडर को लेके थोड़ी बहस हो जाती है जहाँ से जन्नत रूम से बाहर चली जाती है। उसे पानी पीते वक्त कुछ आवाज आती है। वो देखने ही जाती है कि तभी पीछे से कबीर आके उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराता है। तब जन्नत उसे बोलती है कि अब उसे क्या चाहिए। तब कबीर उसे बोलता है कि उन्हें उसके मदद की जरूरत है। फिर कबीर उसकी कार लेकर वो लोग कैच से बाहर सेफ हाउस में पहुंचते हैं जहां वो सेफ होंगे। कैच के मदरसे में एजेंट्स खुदकुशी करने का प्लान करते हैं जिसके लिए वो एक तालिबानी को मार के उसकी गन ले लेते हैं और वो खुद को शूट करने वाले होते है कि तभी वहाँ तालिबानी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वहाँ अफताब गुस्सा होकर एजेंट्स को कहता है कि वो उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगा और वो
पास से चला जाता है। सेफ हाउस से ईशा निहार को कॉल करती है क्योंकि निहार ने उनका नेटवर्क जाम कर दिया था। ईशा के कहने पर निहार नेटवर्क ओपन कर देता है। जन्नत कबीर से मिलने सेफ हाउस आती है, जहां कबीर उसे बोलता है कि वो यहां उसके चार एजेंट्स को छुड़ाने आया है और उसे बीएफ की मदद की जरूरत है। जन्नत उससे कहती है कि तुम और कितना झूठ बोलेंगे। तब कबीर उसे बताता है कि मुल्ला खालिद कैच में है और इस बात की किसी को खबर भी नहीं है। वो जन्नत से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो हमें आगे पता चल ही जाएगा। आगे वीर सिंह कबीर को सच कहने बोलता है, जहां कबीर उन्हें बताता है कि मुल्ला खालिद कैच में है, जहां आईएसआई और तालिबान में कुछ बातें हो रही है जिसका उन्हें फायदा उठाना था। फिर वीर सिंह उसे पूछता है कि वो लोग ये करेंगे कैसे और मुल्ला ने एजेंट्स को अब तक मारा क्यों नहीं। तब ईशा उसे बताती है कि अगर तालिबान एजेंट्स को मारते तो वो उनका वीडियो बनाते और पूरी दुनिया को दिखाते, जिससे मुल्ला खालिद एक्सपोज हो जाता। फिर कबीर उसे बताता है कि उन्हें वो एजेंट्स आईएसआई को देने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। वो ईशा से ग्वादर से जाने वाली ऑयल पाइपलाइन की डिटेल्स को मांगता है, जहां से वो बोलता है कि वो कैसे बीएफ के मदद से तालिबानियों पर अटैक कर सकते हैं। तब वो सारे ग्वादर के तरफ निकलते हैं, जहां वीर सिंह कबीर को पिछले बार कैच आने की वजह पूछता है। यह कहानी पास्ट में जाती है, जहां कबीर उन्हें बताता है कि 5 साल पहले ग्वादर के पास करण भूषण नाम के इंडियन डिप्लोमेट की मौत हो गई थी, जिसका एविडेंस ढूंढने उसे और विक्रम को सादिक ने भेजा था। फिर वो उन्हें उसकी सारी स्टोरी बताता है और कैसे वो जन्नत से मिला, जहां कबीर एक जर्नलिस्ट और विक्रम एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वहां अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई लीड नहीं मिल रही थी। फिर कबीर उन्हें बताता है कि कई महीने बीतने के बाद उन्हें एक लीड मिलती है। फिर विक्रम और कबीर उसे मिलने जाते हैं। वो होता है ऐसे एजेंट शहजाद। वो असद नाम बता के उनसे मिलने वहां जाता है, जो उन्हें बताता है कि उसके भाई को बस वो लोग रेस्क्यू कर ले जो तालिबानियों के साथ मिल चुका है, जिसके पास करण भूषण की मौत की जानकारी होती है। जहां कबीर और विक्रम उसे रेस्क्यू करके अमेरिकन बेस कैंप तक छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर कबीर यहाँ सादिक को कॉल करके अमेरिकन से बात करने कहता है। सादिक पहले उसे मना करता है, पर कबीर उसे बोलता है कि असद के भाई के पास करण भूषण के मौत की बड़ी खबर है, जहां सादिक उसे एग्री हो जाता है। आगे फिर जन्नत कबीर को अपने घर ले जाती है अपने पिता से मिलाने के लिए, जहां उसके पिता को पता चल जाता है कि कबीर एक इंडियन स्पाई है। फिर वो जन्नत को सब सच सच बताने कहता है। सब सच सुनकर जन्नत काफी टूट जाती है। फिर आगे विक्रम और कबीर एक मदरसे में पहुंचते हैं, जहां असद यानी शहजाद ने उन्हें वहां मिलने बुलाया होता है, क्योंकि उसके घर में तालिबानियों ने रेड डाली होती है। तब कबीर और विक्रम उस मदरसे में चले जाते हैं, जहां उन पर तालिबानी अटैक कर देते हैं। तब कबीर और विक्रम उन तालिबानियों को वहां मार देते हैं। अब आगे ये वही सीन होता है जहां विक्रम मारा गया था। कबीर देखता है कि विक्रम का पैर एक बॉम्ब पर पड़ जाता है, जो कबीर को वहां से भागने के लिए कहता है। कबीर उसे बताता है कि वो उसे वहां छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन विक्रम उसे वहां से जबरदस्ती भागने के लिए कहता है। कबीर के बाहर आते ही वो बॉम्ब फट जाता है। अब प्रेजेंट में कबीर ईशा और वीर को बताता है कि वो सब एक ट्रैप था उन्हें फंसाने के लिए, और आज तक वो उस हादसे के बाद गिल्ट फील कर रहा है। दूसरी तरफ जन्नत सैटेलाइट फोन से आईएसए एजेंट शहजाद को कॉल करके बताती है कि ग्वादर पोर्ट के तीसरे पॉइंट पे आज रात हमला होने वाला है, और यहाँ एपिसोड 4 एंड हो जाता है, जहाँ हमें अब पता चलता है कि जन्नत आईएसए से मिली हुई थी। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते है कि नुसरत को पता चल जाता है कि जन्नत आईएसए को सैटेलाइट फोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही है, जहाँ दोनों में बहस हो जाती है। वहाँ ग्वादर पोर्ट पे कबीर ईशा और सिंह पहुंच गए थे, जो वहाँ के ऑयल पाइपलाइन को उड़ाने वाले थे, जहाँ कबीर का प्लान होता है कि वो ब्लास्ट बीएफ ने किया है उन्हें ऐसा दिखाना होता है। आगे फिर वो लोग प्लान को अंजाम दे देते हैं। उस ऑयल पाइपलाइन पे कबीर बॉम्ब फिट कर देता है और ईशा और वीर को कंट्रोल यूनिट जाके पाइपलाइन को बंद करने बोलता है। वहाँ आईएसए ऑफिस से शहजाद अपने पुलिस ऑफिसर्स को ऑयल पाइपलाइन जाने बोलता है और उस हादसे को रोकने बोलता है, जिसे लग रहा था कि वो ब्लास्ट बीएफ करने वाला है क्योंकि उसे जन्नत ने झूठ बोला था। कबीर बॉम्ब पिट करके वहां से भागता है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है, जहां पुलिस वाले आके उन पर फायरिंग करने लगते हैं। तब कबीर और वीर उन सब पुलिस वालों को मार देते हैं। तब वीर सिंह गुस्सा होकर कबीर से कहता है कि पुलिस यहाँ आई कैसे, बल्कि उनके प्लान के बारे में सिर्फ वो लोग ही जानते थे। तब कबीर उसे बताता है कि ये प्लान उसी का था, उसने ही जन्नत को आईएसए को झूठ बोलने कहा होता है। दूसरी तरफ कासिम नुसरत से पूछता है कि पाइपलाइन ब्लास्ट के ऑर्डर किसने दिए, जहां नुसरत उसे बताता है कि उसे पता है कि किसने ये काम किया है। कासिम उसे बोलता है कि ये काम उस इंडियन एजेंट का है,
जिस पर नुसरत उसे बताता है कि उनके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि अब उन्हें ग्लोबल फंड और लोगों का सपोर्ट मिल सकता था। आगे जन्नत शहजाद से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि उसके खबर मिलने के बावजूद उसकी टीम वहां पर पहुंच गई थी, फिर भी उनका प्लान कैसे सक्सेस हुआ। जन्नत उसे बताती है कि उसे जो खबर लगी थी उसने वो दी। तभी शहजाद को आफताब का कॉल आता है कि तुम्हारी ये कोई चाल तो नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर शहजाद उसे बताता है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहो, वो वहाँ पर पहुँच ही रहा है। यहाँ मुल्ला और आफताब को लग रहा था कि शहजाद उनसे चालाकी कर रहा है। आगे फिर शहजाद जन्नत से पूछताछ करके उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ ईशा, वीर सिंह और कबीर वहाँ से दूर भाग आते हैं, जहाँ ईशा वीर सिंह को फायरिंग में लगी गोली को निकालती है। वीर सिंह कबीर से पूछता है कि जन्नत को तुमने कौन सा झूठ बोल के मनाया। तब कबीर उसे बताता है कि उसने उसे पहले जैसा सब ठीक करने का वादा किया है। मदरसे में तालिबानी वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं और ग्वादर ऑयल पाइपलाइन के यहाँ ऐसे एजेंट शहजाद और उसकी साथी अबिदा जाते हैं, जिन्हें वहाँ पता चलता है कि वो ब्लास्ट बीएफए ने नहीं बल्कि कबीर ने किया है और जन्नत ने उनसे झूठ बोला है। दूसरी तरफ नुसरत और टीम की एक मीटिंग चल रही होती है, जहां जन्नत उन सबको बोलती है कि मुल्ला खालिद बलूचिस्तान में छिपा है। फिर नुसरत वहां कहता है कि अगर मुल्ला पकड़ा गया तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक देगा। फिर वो सारे नुसरत का साथ देने का फैसला करते हैं। नुसरत कैंप में जोरों से एक मिशन की तैयारी करने कहता है, जहां कासिम उसे पूछता है कि हम किस मिशन की तैयारी कर रहे हैं। नुसरत उसे बताता है कि उन्हें किसी की मदद करके हिसाब बराबर करना है। मदरसे में मुल्ला निकलने के लिए तैयार था, वो एजेंट्स को एक ट्रक में और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कबीर और टीम सब निकलते हैं, जहाँ ईशा उसे पूछती है कि क्या वो लीड कर पाएंगे। तब कबीर उसे बताता है कि वो लोग तालिबान पर सरप्राइज अटैक करने वाले हैं और बीएफए उनकी इस अटैक में हेल्प करेगा। तभी वीर सिंह को अरुण जोशी का कॉल आता है, जो कबीर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो कबीर उन्हें वहाँ से बाहर एजेंट्स के साथ निकलने के लिए कहता है। उसकी इस बात को अरुण जोशी मान जाता है। तभी कबीर फौरन जन्नत को मिलने बुलाता है और कबीर ईशा और वीर को लीड्स ढूंढने बोलता है और मुल्ला के कॉन्वे को आइडेंटिफाई करने कहता है। कबीर जन्नत से मिलके उसके आईएसए हैंडलर के बारे में पूछता है। वो तनवीर शहजाद का नाम बताती है, जो जन्नत को कहता है कि उसे हमें ढूंढना होगा। कबीर कहता है कि अगर वो ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है तो वो मुल्ला को भी छिपा रहा है। पर जन्नत उसे बताती है कि उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। पर कबीर उसे बताता है कि तुमने उसे देखा है। तो कबीर उसे वहां शहजाद का स्केच बनाने बोलता है। दूसरी तरफ एजेंट्स ट्रक से कूदने का प्लान कर रहे थे, जो उन्हें ले जा रहा था। जैसे ही ट्रक मार्केट में पहुंचता है, एजेंट्स ट्रक से कूद पड़ते हैं, जो कहते हैं कि उनका काम हो गया, क्योंकि उस मार्केट में एजेंट्स की वीडियो निकल रही थी कि तालिबानी उन्हें वहां से ले जा रहे हैं, और फिर से उन्हें उस ट्रक में बिठाया जाता है। यही खबर जन्नत को लगती है, जो कबीर को बताती है कि तुम्हारे एजेंट्स मार्केट में देखे गए है। तभी कबीर ईशा और वीर सिंह को ये खबर देता है और उन्हें उन पर नजर रखने कहता है। तभी जन्नत का स्केच रेडी हो गया था, वो फौरन कबीर को दिखाती है, जिसे देखकर कबीर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही इंसान रहता है जिसने उन्हें उस ट्रैप में फंसाया था। तब कबीर जन्नत को कहता है, तुम मुझे इसके पास लेके जाओगी। तब जन्नत को किसी औरत का कॉल आता है, जो उसे बुलाती है कि उसका पति 2 दिन से गायब है और उसे मिल नहीं रहा, तो उसे पुलिस कंप्लेंट करनी है। तब जन्नत कबीर को कहती है कि उसे उस औरत से मिलने जाना होगा, और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ईशा और वीर सिंह तालिबान के कॉन्वे का पता लगा लेते हैं, जो उनके फोटोज निकाल लेते हैं। जन्नत उस औरत के घर पहुंच गई थी, पर वो एक ट्रैप होता है शहजाद का, जो उसे वहां लाना चाहता था, और वो कॉल करने वाली औरत और कोई नहीं शहजाद साथी एजेंट अबिदा होती है। कबीर और टीम सेफ हाउस में लौट आते हैं, जहां कबीर को जन्नत का कॉल आता है। कबीर जन्नत से पूछता है कि वो कहां पर है। शहजाद उसे बोलता है कि वो उसके कब्जे में है। तब जन्नत कबीर से आखिर में कहती है कि पीछे मुड़कर मत देखना, हमारा यहीं पर एंड था। तभी कबीर तनवीर से कहता है कि ये उनका आपसी मामला है, जन्नत को बीच में मत लाए। तभी शहजाद जन्नत पर पीछे से गोली चला देता है, जिसे सुनकर कबीर काफी रोने लगता है, और यहाँ पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शहजाद की साथी एजेंट अबिदा जन्नत के बॉडी को खींचती हुए लाती है और किसी को कॉल करके गाड़ी भेजने को कहती है। कबीर जन्नत के मौत को सुनकर
सारा गुस्सा वीर और ईशा पर निकलता है, जहाँ ईशा उसे समझाती है। आगे फिर बीएफ कैंप के पास कुछ लोग जन्नत के बॉडी को फेंक देते हैं। अरुण जोशी कबीर को कॉल करके बताता है कि उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई एग्जिट मिल नहीं रही है, और वो उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ से कैसे निकलोगे, तुम वहाँ मुझसे पूछ कर गए थे क्या। ये सुनकर कबीर कॉल काट देता है। तभी ईशा लैपटॉप पे देख कर कबीर को बताती है कि बलूचिस्तान में 4 अमेरिकन एनजीओज है जिनमें से एक उनकी मदद कर सकता है। तो वो उन एनजीओज की जानकारी निकालती है और ईशा कबीर से ये भी कहती है कि उन्हें साथी बीएफ को भी हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नुसरत अपने बहन के बॉडी के सामने रो रहा होता है, जिसे उसकी और जन्नत की पुरानी यादें याद आती है। तभी वहाँ कबीर आता है और वो नुसरत से कहता है कि जिन लोगों ने ये किया है उनसे वो पूरा हिसाब लेगा और अब ये लड़ाई उसकी अकेले की है। तभी कासिम कबीर से कहता है कि जो उनमें तय हुआ था वही होगा, हम सब जन्नत के लिए तुम्हारा साथ देंगे। तब कबीर नुसरत को सारा प्लान बताता है और शहजाद पर नजर रखने बोलता है, जिसे वो शहजाद का स्केच भी देता है जिसे जन्नत ने बनाया था। और दूसरी तरफ शहजाद मुल्ला से मिलने जाता है, वो उसे बताता है कि उन्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि बाहर माहौल बिगड़ता जा रहा था। शहजाद मुल्ला से इंडियन एजेंट्स की मांग करता है। तब मुल्ला उसे कहता है कि क्या गारंटी तुम्हें ये एजेंट्स देने पर तुम हमें अमेरिकन के हाथों पकड़वा दोगे। तब शहजाद उसे बताता है कि इंडियन एजेंट्स या इन 4 एजेंट्स को रेस्क्यू करने आ गए है और उन्हें भी मदद कर रहा है। फिर भी मुल्ला उसे वो एजेंट्स देने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो एजेंट्स को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो और आफ्ताब किसी सेफ जगह पहुंच नहीं जाते। तब शहजाद उसे वो एजेंट्स उधार देने के लिए बोलता है, जिसे मुल्ला राजी होके शहजाद उन एजेंट्स को अपने साथ ले जाता है जिनका पीछा बीएफ के कुछ लोग कर रहे थे। शहजाद उन एजेंट्स को अपने सीक्रेट जगह पर एक कमरे में बंद कर देता है। अब तक को शहजाद का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस तुम जैसा बताया है वैसा चलना। तब आफ्ताब शहजाद से कहता है कि बस ये मत भूलना कि कौन किसकी मदद कर रहा है। सेफ हाउस में ईशा को एनजीओ की जानकारी मिलती है, वो फौरन कबीर को कॉल करके बताती है कि कैच में एक औरत है जिसका नाम जेसिका पार्कर है, जो एक ऑर्फेनेज चलाती है जिसे वो और सादिक एम्बेसी के एक इवेंट में मिले थे। तब ईशा कबीर से कहती है कि क्या वो हमें बचाएगी। तब कबीर उसे बताता है कि इंटेलिजेंस में कोई फेवर नहीं करता, उन्हें उसके बदले उन्हें कुछ देना पड़ेगा। तब कबीर फौरन उसे मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। तब कबीर उसे कहता है कि क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। तब जेसिका उसे हाँ कर देती है, उसके बदले उसे कुछ चाहिए होता है। तो कबीर उसे मुल्ला को मरा हुआ उन्हें सौंपने का प्रॉमिस करता है। तब जेसिका मान जाती है और उसे बताती है कि हम तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज कर देंगे जहाँ तुम्हें 6:30 को शार्प पहुंचना होगा। कबीर फिर सेफ हाउस पहुंचता है जहां ईशा उसे वीडियो दिखाती है कि नुसरत के लोगों ने शहजाद को एक जगह देखा है जहाँ उसके साथ एक औरत भी थी जिन्होंने एजेंट्स को उसी इलाके में बंद किया है। तब कबीर ईशा से कहता है कि तुम नुसरत और उसके लोगों के साथ उस जगह को घेर लो और एक साइलेंट प्रोटेस्ट करो। और कबीर वीर को बताता है कि तुम कासिम और उसके लोगों को लेके उन्हें मुल्ला को पकड़ना होगा, जिंदा या तो मरा, जो उनके वहाँ से बाहर जाने का टिकट था। तभी दूसरी तरफ नुसरत और वहाँ के लोग शहजाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जिसे शहजाद देख रहा था। शहजाद वहाँ से निकलने लगता है और वो उसके साथी एजेंट अबिदा को कहता है कि कबीर के लिए ये एक ट्रैप है जिसे वो गुमराह कर देंगे। कबीर शहजाद को मारने के लिए निकल चुका था। तभी उसे अरुण जोशी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि बस वहाँ कोई वॉर मत शुरू कर देना। तब कबीर उसे कहता है कि वो एक इल्यूजन में है। अरुण जोशी उसे बताता है कि बस इतना याद रखना कि सिर्फ तुम वहाँ स्पाई नहीं हो। तब कबीर को कुछ पता चलता है, वो फौरन कार घुमा के वीर सिंह के कार को रोक देता है जहाँ वो उसे बताता है कि शहजाद फिर से उन्हें फंसाया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शहजाद को ढूंढ लिया है, पर वो खुद चाहता था कि कबीर उसे ढूंढे और उसके ट्रैप में फंस जाए। तब कबीर वीर सिंह से कहता है कि मैं मुल्ला से निपट लूंगा, तुम शहजाद को संभालो। फिर कबीर जाके मुल्ला के बेस पर अटैक कर देता है, पर मुल्ला अपने खुफिया रास्ते से वहां से भाग लेता है। दूसरी तरफ वीर सिंह शहजाद को ढूंढने उसके ठिकाने पर तलाशी करता है और वो सच में एक ट्रैप होता है जहाँ वीर देखता है कि शहजाद ने वहाँ एजेंट्स की जगह दूसरे लोगों को बांध कर रखा होता है। वीर जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है, अबिदा उस पर गन धर देती है। फिर वीर भी उस पर गन धर के उसे बताता है कि वो उनके एजेंट्स नहीं है और अगली गोली सीधा तुम्हारे माथे पर होगी। तब डर के मारे अबिदा गन हटा लेती है और उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है। तब वीर सिंह उससे शहजाद के ठिकाने के बारे में पूछता है। वहाँ कबीर मदरसे में मुल्ला के अड्डे पर तालिबानियों से निपट रहा था, वो ईशा को कॉल करके वहाँ बुला लेता है।
है। ईशा के वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि मुल्ला अपने खुफिया रास्ते से निकल के भाग रहा है, तो वो उनका पीछा करने लगती है। तालिबानियों को ये बात समझ आती है कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है और वो ईशा की कार रोक के उसे किडनैप कर लेते हैं। उस मदरसे में सबको मार के कबीर बाहर आता है और कासिम को नुसरत के पास जाने बोलता है और कबीर मुल्ला के नए अड्डे पर जाने के लिए निकलता है। कासिम नुसरत को कॉल करके अपनी लोकेशन पता करवाता है और वहां से निकलता है। तभी हम देखते हैं अबिदा ने वीर को शहजाद के ठिकाने का पता दे दिया था। वीर फौरन नुसरत के साथ शहजाद के गाड़ी का पीछा करता है, जहां नुसरत शहजाद पर गोलियां चलाने लगता है। तभी फायरिंग में शहजाद उनके गाड़ी के टायर पर गोली मारकर उनके गाड़ी को उड़ा देता है और शहजाद वहां से भाग लेता है। अब वीर और नुसरत दोनों घायल थे। तभी वहां कासिम अपने लोगों के साथ पहुंचता है और वो नुसरत पर गन धर देता है, जिसे देखकर नुसरत काफी शॉक हो जाता है। और यह एपिसोड 6 एंड होता है, जहां हमें अब पता चलता है कि कासिम नुसरत के खिलाफ हो गया है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हम देखते हैं कि कासिम उनके लोगों को बोलता है कि नुसरत अब हिंदुस्तानियों से मिल चुका है, जिसके वजह से जन्नत की मौत हुई है। तब वीर उससे गन छीन के उसे समझाता है कि तुम लीडर नहीं बल्कि इस फोर्स के गद्दार हो। तब वीर नुसरत को गन दे के कासिम को मारने बोलता है, पर नुसरत कहता है कि वो ऐसे ही अपने लोगों को मारते रहे तो पाकिस्तान जीत जाएगा। तब वीर कासिम को बताता है कि ये होता है लीडर, तो अब हमें मिलके कबीर का साथ देना होगा ताकि मुल्ला मारा जाए। तो वो कासिम से कबीर के लोकेशन के बारे में पूछता है। कबीर मुल्ला के लोकेशन पे पहुंच के वहाँ एक एक करके तालिबानियों को मारता है। मुल्ला वो जगह छोड़ ही रहा होता है। कबीर वहाँ चिपके से जाके ईशा को छुड़ा लेता है। तभी वहाँ अफ्ताब आ जाता है, जो कबीर को देख लेता है और बाहर जाके सबको तुरंत वहाँ से भागने को कहता है। कबीर अफ्ताब के कार पे चढ़ के उसके ड्राइवर पर गोली चला देता है, जिससे वो कार वॉल से टकरा जाती है। अब अफ्ताब वहाँ अकेला गया था। तब मुल्ला सबको वहाँ रुकने को कहता है, क्योंकि उसे अपने बेटे अफ्ताब को साथ ले जाना था। तभी अफ्ताब भाग के मुल्ला के कार की तरफ जाता है कि वहाँ ईशा आके अफ्ताब पे गोली चला देती है। अब यहाँ मुल्ला और उसके लोग वहाँ फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ शहजाद अपने गार्ड्स के साथ अपने सीक्रेट जगह जाता है और वो उन एजेंट्स को कहता है कि कैसा मुल्क है तुम्हारा, 3 कॉकरोच जान बचाने के पीछे पड़ा है और वो भी कबीर आनंद को उन्होंने भेजा है। तब शहजाद उन्हें बताता है कि वो मुझसे जीत नहीं सकते। ये बात सुनकर एजेंट्स खुश हो जाते हैं। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि उन्हें बचाने सच में कोई आया है। दूसरी तरफ तालिबानी फायरिंग किए जा रहे थे, जो अफ्ताब को अपने कार में बिठा लेते हैं कि तभी वहाँ पे नुसरत और वीर बेएब के टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, जो तालिबानियों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें अब मुल्ला कबीर के हाथ लगता है। दोनों में थोड़ी फाइट होती है कि तभी मुल्ला कबीर के हाथों पकड़ा देख अफ्ताब कार रोकने बोलता है और वो कबीर पे गोली चलाता है, पर गलती से वो गोली मुल्ला को लग जाती है, जहाँ मुल्ला खालिद मारा जाता है। आगे फिर कबीर ईशा और वीर को मुल्ला की बॉडी लेके जेसिका को देने बोलता है और वहाँ से निकल जाने कहता है, जिन्हें 30 मिनट में वहाँ पहुँचना होता है, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर से बलूचिस्तान से बाहर निकलने वाले थे। कबीर उन्हें बोलता है कि वो शहजाद को मार के एजेंट्स को छुड़ाने जा रहा है। वीर और ईशा नहीं मान रहे होते है, पर कबीर उन्हें बताता है कि शहजाद को मारना उसका पर्सनल मामला है, तो वो वहाँ से जल्दी निकले। तब ईशा और वीर मुल्ला की बॉडी लेके निकलते है और कबीर शहजाद के ठिकाने पर जाता है, जिसे वीर ने उसकी लोकेशन बताई होती है। दूसरी तरफ दिल्ली में निहार अरुण जोशी को बताता है कि कबीर और टीम ने मुल्ला को मार दिया है और वीर और ईशा इंडिया वापस आ रहे हैं। पर अरुण जोशी उसे पूछता है कि हमारे एजेंट्स और कबीर उनका क्या। वहाँ शहजाद उनके चीफ कमांडर को कॉल करके गाड़ी की राह देख रहा था। तभी पाकिस्तानी चीफ को अरुण जोशी कॉल करके बताता है कि उन्हें पता है कि मुल्ला कैच में है, तो वो उससे कहता है कि ये बात हम बाहर फैला सकते हैं। तो पाकिस्तानी चीफ अरुण जोशी को बोलता है कि उन्हें क्या चाहिए। तब वो शहजाद को डिसवॉन करने कहता है। वीर और ईशा जेसिका के पास उसके एनजीओ में पहुंच जाते हैं, जिसे वो मुल्ला की डेड बॉडी दिखाकर अपनी डील पूरी करते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो लोग थोड़ी देर में वहां से जा सकते हैं। ईशा कबीर को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। कबीर शहजाद के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जो वहां तैनात गार्ड्स को मार देता है। अंदर एक एजेंट अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है और वही शहजाद परेशान हो रहा था। तब शहजाद अबिदा को कॉल करके पूछता है कि उसे लेने अभी तक कार क्यों नहीं आई। तब अबिदा उसे बताती है कि उसे डिसवॉन कर दिया है।
तब शहजाद उसे बोलता है कि उसे डिसवॉन्ट करना ऐसे को भारी पड़ सकता है। तभी शहजाद को उनके चिप का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हें लेने कार आ रही है, लेकिन इंडियन एजेंट्स को कुछ होना नहीं चाहिए। शहजाद हाथ खोल रहे एजेंट्स को देखता है जिसे वो पीटने लगता है। एजेंट्स की आवाज सुनकर कबीर उस रूम तक पहुंच जाता है जहां शहजाद कबीर के पेट में चाकू घुसा देता है। तभी एक एजेंट मौका देखते ही तनवीर पर गोली चला देता है जिसके वजह से तनवीर वहां से भागने लगता है। कबीर उसके पीछे जाता है जहां उन दोनों में काफी फाइट होती है और लास्ट में कबीर तनवीर को मार के बेहोश कर देता है। वहां अमेरिकन बेस कैंप में वीर और ईशा कबीर का इंतजार कर रहे होते हैं जहां जेसिका उन्हें आकर बताती है कि हेलीकॉप्टर रेडी है, उन्हें निकलना होगा। कबीर शहजाद के बॉडी को घसीट कर बाहर लेके आता है जहां कासिम और नुसरत पहुंचते हैं। कबीर उन्हें कहता है कि अब शहजाद को कैसे मारना है इस पे तुम्हारा हक है। तब कासिम नुसरत से गन लेके शहजाद पर गोली चला देता है और कबीर उनके एजेंट्स को बाहर लाने बोलता है जहां वो सारे अमेरिकन बेस कैंप में टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। कबीर जाते वक्त नुसरत से कहता है अब तुम्हें इस जमीन को बनाना है और आगे ले जाना है, और लास्ट में उससे वो गले मिलता है और वो सब वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से इंडिया पहुंच जाते हैं जहाँ एजेंसी में सब उनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं, जहाँ निहार उन सब से मिलता है। कबीर निहार को शहजाद का फोन देता है जिससे उन्हें काफी जानकारी मिल सकती थी। तभी वहाँ अरुण जोशी आके वीर को अपने कैबिन बुलाता है और उसे वो माफी मांगता है कि एजेंसी ने उसे बुला दिया। अरुण जोशी उसे बताता है कि वीर का नाम उन्होंने प्रेसिडेंट्स मेडल के लिए दिया है और एजेंसी उसे 25 लाख का फंड भी देगी। और लास्ट में अरुण जोशी उसे बोलता है कि अब उन्हें उसकी जरूरत है, वो जल्दी फिर से एजेंसी ज्वाइन करे। आगे हम देखते हैं कि ईशा घर पहुंच चुकी थी, वीर अपने गांव वापस जा रहा था और कबीर विक्रम के बीवी और बच्चे से मिलता है। तभी वहां नियार आके उसे बाहर बुलाता है और बताता है कि उसने मोबाइल रिपेयर कर दिया है। तब कबीर उसे पूछता है कि उसने उस फोन को क्रैक किया कि नहीं। तब नियार उसे बताता है कि फोन हाईली एनक्रिप्टेड है जो गलत पासवर्ड डालने पर फट सकता है। तब कबीर उससे कहता है कि इस फोन की शायद उन्हें अब जरूरत नहीं। तब वो दोनों निकल ही रहे थे कि तभी वो फोन बजने लगता है। कबीर उस कॉल को उठा के बोलता है कि तुम्हारा हैंडलर अब मर चुका है। तब कबीर उसे पूछता है कि तुम हो कौन। तब वो इंसान उसे बताता है कि वो वही है जिसने सादिक शेख को मारा है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि ये यही इंसान था जिसने कबीर की फोटोज खींची थी, जो कबीर को बताता है कि वो कर्नल छेत्री है जो इंडियन आर्मी में है और अब उसकी जान खतरे में है, ये बोल के वो कॉल काट देता है। कबीर ये बात बताने अरुण जोशी के पास जाता है जो कबीर को बताता है कि कल चाइनीज और इंडिया समिट है तो कोई भी इंसिडेंट उस पर अफेक्ट कर सकता है। तब वो कबीर से पूछता है कि ऐसे ये अकेला नहीं कर सकता और शहजाद भी मारा गया है। तब कबीर उसे बोलता है कि मुल्ला खालिद का बेटा अफताब जो वहां से भाग गया था तो वो अब मिशन कंप्लीट कर रहा है। तब कबीर और निहार वहां से निकलते हैं जो ईशा को कॉल करके उसे भी बुलाते हैं। निहार उस कॉल को ट्रेस करके उस लोकेशन का पता लगा लेता है जो एक ट्रेंस को सुधारने वाले कारखाने पहुंचते हैं, जहां एक रूम में वो थोड़ी छानबीन करते हैं, उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तभी निहार को उस इंसान का सिग्नल दिखता है जो वही पास में था। कबीर और टीम वहां पहुंचती है तो वो इंसान वही पर होता है जो उन्हें बताता है कि आयसे ने उसे ये करने बोला था। तब ईशा उससे उनके प्लान के बारे में पूछती है। तब वो उन्हें बताता है कि उसे चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को मारने को कहा गया था। तब कबीर उससे उसके हैंडलर के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारा हैंडलर अफताब है। वो बोलने ही जाता है कि एक इंसान वहां चिपके से उस आर्मी ऑफिसर पर गोली चला देता है। तब कबीर ईशा को बैकअप बुलाने कहता है और वो उस इंसान का पीछा करने लगता है। नियार ईशा से पूछता है कि कबीर सर पकड़ किसे रहे है। तब ईशा उसे बताती है कि अफताब को। नियार उसे वीडियो दिखाकर बताता है कि अफताब तो ब्राजील में है। तब आगे काफी भागदौड़ी के बाद कबीर उस इंसान को पकड़ ही लेता है जिसे हाथ ऊपर करके घूमने बोलता है। कबीर जब उस इंसान को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं विक्रम रहता है, जहां अब हमें पता चलता है कि वो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मरा नहीं था, जो अभी भी जिंदा है। तभी वहां ट्रेन आती है जहां से विक्रम कबीर के सामने से गायब हो जाता है और यहां एपिसोड 7 के साथ सीरीज का भी एंड हो जाता है। अब इस लास्ट सीन से हमें समझ आता है कि इस सीरीज का सीजन 2 जरूर आएगा, जिसमें अब हमें पता चलेगा कि विक्रम के साथ उस दिन क्या हुआ था और वो क्यों आयसे का साथ दे रहा है। तो ये था बार्ड ऑफ ब्लड सीरीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।